जय शनिदेव और मनु भैया को प्रणाम। मैं सबकी तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भैया, पहले आप हवन के प्रक्रिया द्वारा भूत प्रेत का मारण करते थे और मतलब भूत प्रेत को मारते थे, और आजकल जगह की कम की वजह से आप हवन नहीं करते, और किस प्रक्रिया के द्वारा आज हवन ना करने के बावजूद भी किस प्रक्रिया के द्वारा आप भूत प्रेत को खत्म करते हैं और नाश करते हैं, ये बताने की कृपा करें सब लोग दर्शक जो जान सकें। बोधराज, वैसे तो तुम्हें भगवान का वकील होना चाहिए, फिर भी मैं आपको आपके माध्यम से सभी भक्तों को पहले तो जय शनिदेव बोलूँगा और शनिदेव महाराज को प्रणाम करूँगा। सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ जो मेरे इष्ट हैं, वो मुझ पर कृपा बनाए रखें, शनिवार का दिन है। बोधराज, पहली बात तो ये है कि भक्तों की प्रत्येक क्रिया ही हवन क्रिया होती है, क्योंकि वो हर पल हर क्षण किसी न किसी विचार के माध्यम से अपनी सुपुर्दगी भगवान को देता रहता है। तो ऐसा मेरे साथ भी है, और बोधराज रही बात प्रेत काटने की, तो वो मेरा संकल्प है जो उन प्रेतों को मेरे सूक्ष्म शरीर द्वारा खा लिया जाता है और वही अवतरित होते हैं मंत्रदूत के रूप में भी, क्योंकि भगवान ने मुझे उस रूप में उस स्वरूप में ग्रहण किया है, उसने मुझे अपना बेटा बनाया है, अपनी गोदी में बैठाया है। तो मैं शनिदेव महाराज का कृपा पात्र तो हूँ, अब मुझे ये पता नहीं कि ये मुझे कितने जन्मों की भक्ति से प्राप्त हुआ है। फिर भी बोधराज, आपने इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा कि अब जो है प्रेत हम क्रिया नहीं करते तो वो मेरे संकल्पों से कटता है, और स्वयं ही उसमें प्रभु की इच्छा है, शनिदेव महाराज की इच्छा है, वही लोगों को स्वप्न में मेरे माध्यम से जो है मेरे स्वरूप में लोगों के साथ बड़े बड़े खेल कराते हैं, और वही सब कुछ सारे खेल खिला रहे हैं। वो चाहते हैं ये कार्यशैली आगे बढ़े, फिर भी हमने जो भी इकट्ठा करना है केवल मंदिर के लिए करना है, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर हम कुछ करते भी हैं तो हम भगवान का उसको प्रसाद ही मानते हैं, और वो प्रसाद उसने मुझे प्रदान कर दिया है, तो मेरी इच्छा भी नहीं है कि मुझे बहुत सारा प्रसाद मिले और बहुत सारा इकट्ठा करना है। तो मुझे तो जो चाहिए वो जनता के लिए चाहिए, इसलिए जैसे ही हमारा मंदिर बनेगा सब फ्री में हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा, लोग आएंगे अपना काम कराएंगे एक मामूली सी यानी कि 100 रुपये के टोकन में, और हम ये जो कार्य है इसको विश्व स्तर पर युद्ध स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हमने लोगों को बहुत ही सूक्ष्म और बारीक की बातें बताई हैं जो आज तक किसी महापुरुष ने नहीं बताई, किसी संत पुरुष ने नहीं बताई, इवन संत लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि इसको संसार में ढकोसला और सब कुछ बता दिया जाता है। लोग जानते ही नहीं कि भूत प्रेत जो है निकालना वो भक्तों का कार्य है, ना कि तांत्रिकों का कार्य है। तांत्रिक तो केवल भूत प्रेतों को किसी के शरीर में पकड़ के डाल ही पाते हैं, जब वो निकालने की कोशिश करते हैं तो खुद ही उलझ कर रह जाते हैं और वो प्रेत भी उन्हीं पर सवार हो जाते हैं। मरते वक्त उनके साथ 40-40 प्रेत होते हैं, वो दूसरों को ऐसे ही एक साथ घुस घुस के एक को मार फिर अगले को मार फिर अगले को मार ऐसे परेशान करते रहते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात मैंने बताई है, ये हमारा हवन है। पहले जो हमारी हवन प्रक्रिया होती थी वो 500 रुपये की होती थी, जिसमें 250 रुपये तक का गोला होता था। इसके अलावा आपको काजू बादाम किशमिश छुआरे और काला तिल इंद्रजो जायफल लौंग इलायची हरी इलायची और इसके अलावा सुपारी ये सब तत्व और देसी घी ये सब तत्व उसमें चलते थे, कमलगट्टा आदि ये सब तत्व उसमें चलते थे, शक्कर बूरा जो भी हवन में पड़ता है वो हम सब डालते थे, लाल चंदन आदि। लेकिन लोग इस हवन को नहीं करते हैं, उल्टा हवन में जो है जो तंत्र में प्रयोग होता है हल्दी वगैरह और कई ऐसी चीजें जो यूज करते हैं नमक वगैरह वो उस तरह से डालते हैं। तो ये तंत्रोक्त हवन है जो हमने बताया भी कि कहीं होता है और वो खर प्रयोग में करते हैं, तो तांत्रिक लोग इस तरह से हवन करते हैं, लेकिन हमारा चूंकि हवन सात्विक है और हम जो भी क्रिया करते हैं वो भगवान के भोग रूप में उसको स्वीकार करनी पड़ती है, शनिदेव महाराज उसको स्वयं ही स्वीकार करते हैं, और ये बात हम बखूबी लोगों को दिखा चुके हैं। यानी कि अभी भी एक नई बहन आई है हमारे पास, सुबह 2 दिन से वो आ रही है, तो वो भी ये देख के आश्चर्यचकित है, उसके भी आश्चर्य की सीमा नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ काम होता है। तो वो स्वयं अपना काम करता है और हमारे यहाँ चीज को कटते हुए आप देख सकते हो और आपकी पुष्टि होती है ठीक ढंग से, और अगर पुष्टि ठीक ढंग से नहीं होगी तो आपका प्रेत बाहर नहीं निकलेगा। तो आपकी जितनी बीमारियां हैं
अगर पुष्टि ठीक ढंग से आपकी होती है तो वो अपने आप दूर होती चली जाती है, एक के बाद एक निकलती चली जाती है। इस तरह से आदमी लाभ उठा रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा कि अभी नया मंदिर बनने लग रहा है, जगह का निर्माण होने लग रहा है धीरे धीरे, तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। कुछ देरी हो भी जाए तो इसके लिए क्षमा करें, और आवश्यक हो तो ही अपने घर से चले। जो पुराने लोग हैं वे धैर्य रखें, अभी और बहुत कम मात्रा में आए क्योंकि कोरोना दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। 30,000 लोग लगभग एक दिन में पीड़ित हो रहे हैं, 20 से 30,000 पूरे हिंदुस्तान में, और ये बड़ी संख्या है। मैं चाहता हूँ तकरीबन सब लोग अपने घर बैठे, क्योंकि मैं लोभी नहीं, मैं लालची नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मेरे यहाँ से कोरोना होता है, और मैं भगवान का ऐसा भक्त हूँ, निश्चल भक्त हूँ, मैं बीमारियों को बीमारियों की जगह लेता हूँ, भक्ति को भक्ति की जगह लेता हूँ, अपने भाव को अपने भाव की जगह लेता हूँ, शनिदेव महाराज को मैं सर्वोच्च रख के ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप अपने घर से बहुत कम मात्रा में निकले, मेरे पास बहुत कम मात्रा में आए, अगर जरूरी हो तो ही आए, फालतू का समय ना बिताएं। अगर आ भी गए हैं तो आते ही मुश्किल से 5 मिनट बिताएं और 5 मिनट के अंदर अंदर चले जाए, जिससे मुझे भी आगे आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो और ना ठीक करने में हो, वो भी जरूरी हो तो, वरना तो आप ऑनलाइन अपने आप से ही 2,000-4,000 रुपए की क्रिया करा लें। और अगर आप क्रिया कराएंगे तो आपकी चीजें हमें यहाँ कटी मिलेंगी अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो भी आप दोगे वो मनु भैया की शपथ है आपके मंदिर में लगा देंगे, ठीक है। और हमने जो मंदिर बनाया आज तक जहाँ भी बनाए हैं उनको वहीं पे सौंप के आ गए हैं। अब मेरा तो एक ही वो है कि मैंने एक जगह बैठना है और लोगों का कल्याण करना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। जय शनिदेव, जय शनिदेव।